हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री बीरेंद्र कंवर ने बैसाखी के अवसर पर सुबह सवेरे बरमोती में सतलुज नदी में डुबकी लगाई और नदी किनारे ब्रह्मा के मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। मिनी हरिद्वार कहे जाने वाले स्थान पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भी शीश झुकाया और सतलुज के पावन जल में डुबकी लगाई। बीरेंद्र कंवर ने शुरू हुए वैदिक नवरात्र की प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी और अगले वर्ष कोरोना मुक्त होकर खुलकर बैसाखी का त्योहार मनाने की आशा व्यक्त की। पूरे उत्तर भारत में बैसाखी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। लोग अपने अपने क्षेत्र में मान्यताओं के अनुसार मनाते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना में भी इस पर्व पर लोगों में काफी उत्साह उमंग देखी जाती है। यहाँ भरमोती नाम के स्थान पर सतलुज नदी के भगवान ब्रह्मा का मंदिर है। ये पुष्कर के बाद भारत के ब्रह्मा का दूसरा मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर को पांडवों ने बनाया था। कहते हैं कि स्थान पर बैसाखी के पर्व पर सतलुज के पावन जल में डुबकी लगाकर श्रद्धा पूर्वक प्रभु ब्रह्मा को नमन करने से मन की इच्छा पूर्ण होती है, इसलिए बैसाखी पर यहाँ अच्छी खासी भीड़ होती है। मिनी हरिद्वार के नाम से विख्यात इस धार्मिक स्थल पर हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री बीरेंद्र कंवर ने भी बैसाखी के मौके पर सुबह सवेरे यहाँ पहुंचकर सतलुज नदी में डुबकी लगाई और भगवान ब्रह्मा के मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने सतलुज में मुहाने पर आरती भी की। यहां भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भी शीश झुकाया और सतलुज के पावन जल में डुबकी लगा ब्रह्मा से आशीर्वाद लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए बीरेंद्र कंवर ने बैसाखी से शुरू होने वाले वैदिक नववर्ष की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कोरोना से जंग में विजय प्राप्त कर अगले वर्ष कोरोना मुक्त होकर खुलकर बैसाखी का त्योहार मनाने की आशा व्यक्त की। उन्होंने बरमोती को पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किए जाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जाने का भरोसा भी दिया। बैसाखी का ये पवित्र त्योहार है और साथ में वैदिक नववर्ष की आज से जो है वो शुरुआत हो रही है। मैं इस दिवस के ऊपर प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत सौभाग्य और स्वस्थ जो है वो पूरे वर्ष जो है वो रहेंगे। कोरोना जैसी जो वैश्विक महामारी है, हम उससे भी लड़ेंगे, उससे भी विजय प्राप्त करेंगे और अगले वर्ष बैसाखी के और इस नव वर्ष के ऊपर जो है वो हम फिर से यहाँ पर गंगा मैया की जो है वो आरती करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। भरमोती मंदिर पर्यटन की दृष्टि से हमने इसको विकसित करने का पीड़ा जो है तो 2007 में जो था वो उठाया था। इस पवित्र स्थान तक आने के लिए जो था वो सड़क मार्ग नहीं था, तो उसमें जब मोदी की सरकार थी तो यहाँ पर जहाँ सड़क मार्ग भी यहाँ पर बनाया गया, घाट की भी यहाँ पर स्थापना की गई, यहाँ पर शौचालय भी यहाँ पर बनाया गया। अब हम फिर से अपने इस पवित्र स्थान को विकसित करने के लिए, क्योंकि हमारा जो कुटलहड़ क्षेत्र है यहाँ पर धार्मिक पर्यटन के साथ साथ इको टूरिज्म का यहाँ पर बहुत बड़ी संभावनाएँ यहाँ पर है और इस दृष्टि से जो है तो इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो है वो तो धार्मिक पर्यटन को जो है वो बढ़ावा देने के लिए जहाँ सड़क मार्ग को और ज़्यादा व्यवस्थित करने और ज़्यादा सुदृढ़ करने और उसी तरह यहाँ पर जो हमारी रामगढ़ धार है यहाँ पर हम पर्यटन की दृष्टि से जहाँ अच्छे तालाबों का, कैंपिंग साइट्स का, ट्रैकिंग रूट्स का और साथ में जो है वो विश्राम गृह का जो है वो हम निर्माण कर रहे हैं। 1,65,000 की से हम बे साइड एमिनिटीज़ जो है वो बाबा गरीबनाथ मंदिर अंदरौली के पास जो है वो करने जा रहे हैं और जल्दी ही हम वाटर स्पोर्ट्स को भी वहाँ पर बढ़ावा देंगे। और इस दृष्टि से एक जो पंजाब के साथ और साथ में चंडीगढ़ के साथ ये जो लगता है हमारा जो एक क्षेत्र है और बड़ा ही सुंदर क्षेत्र है, इसमें वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ हम वीकेंड की टूरिज्म की जो है वो संभावनाएं जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं और इसके प्रयास जो है वो शुरू हैं और प्रयास हमारे जो है वो सफल हैं।